Hey guys, welcome back to the Stocks Insta channel. In today's video, we will be discussing about Nifty 50 trade. So, मैं क्या देख के मैंने Nifty 50 में trade लिया? What are my plans? Current scenario के हिसाब से Nifty 50 कहाँ move कर सकता है? और आप लोग क्या-क्या देख सकते हो before taking any trade in intraday? सबके बारे में discuss करेंगे. So, let's get straight to the topic. So, first of all, if you people follow us in our Instagram channel ID, then you will be able to know that कि हम लोग ये discuss किए थे कि Nifty 50 जैसे demand zone test करेगा, we will go for a long. So, what were the reason? ये reason क्या था कि demand zone test का wait करना? So, first of all, I was saying that market is in downtrending structure. और एक retracement आना चाहिए. लोअर हाई एटलीस्ट बनना चाहिए. सो वो सब बात की बात है. सो मैंने क्या देखा, 4 आवर टाइम फ्रेम में लोअर लो लोअर हाइस बन रहा है, लोअर लो लोअर हाइस. ये न्यू लोअर लो बना नहीं पा रहा है. अगर न्यू लोअर लो नहीं बनता है तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल कम इनटू द रेंज. एवरीबडी नोज. अगर किसी को नहीं पता है तो आई बटन में क्लिक करेंगे, वहां से पता चल जाएगा. इसके बारे में हम लोग बात भी किए हैं. सो ये जैसे ही टेस्ट किया, लोअर लो बना नहीं पा रहा है, ये हायर लो हायर हाई चला गया. आई वॉज नोइंग दैट ये हायर हाई बनाया तो हायर लोज बनाने आएगा. सो आई वेटेड पेशेंटली फॉर अ हायर लो. ये हायर लो में कन्वर्जन हो गया. सो मेरा बायस क्या हो गया, मुझे बाय करना है, मुझे शॉर्ट नहीं करना है. वॉट आई वॉज नोइंग दैट मुझे बाय करना है. सो मैंने अपने बायस क्लियर किया कि मुझे बाय करना है. सो 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं गया. सो मैंने बेसिकली 2 ट्रेड लिया. पहला ट्रेड ये था कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने वही चीज़ सेम स्ट्रक्चर किया. ये लोअर लोज बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो नए बना नहीं पाया तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल कम इनटू अ रेंज. ये रेंज में आया मार्केट. मैंने ये देखा 15 मिनट टाइम फ्रेम का डिमांड जो ब्रीच नहीं हुआ था, दैट इज़ दिस एरिया. लेट मी क्लियर, ये एरिया, ये डिमांड जोन था 15 मिनट टाइम फ्रेम का. मैंने जस्ट वेट किया एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनने का या एक हैमर बनने का और डिमांड जोन को सेफ रहने का. सो मैंने ये देखा कि डिमांड जोन सेफ था और जैसे ही बुलिश इंगल्फिंग बना, मैंने यहाँ ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस रख दिया नीचे. आप यहाँ रख सकते हो स्लो के नीचे. बेसिकली मैंने सेफ, अगर सेफ खेलोगे तो ये सेफ होगा, दिस विल बी आवर सेफ. ऐसे मैंने ट्रेड लिया और सी द मूव हाउ इट हैपेंड. सो मैंने क्या किया, मैंने ये चीज़ क्लियर किया अपने माइंड में कि 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, बिगर टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने को वॉच बाय करना है. मैंने बाय करा 15 मिनट टाइम फ्रेम में लोअर हाई जैसे ब्रीच करता है. सो मैंने वेट किया, लोअर हाई ब्रीच किया, ये हाई लो कन्वर्जन में आया. आई जस्ट वेटेड अ बुलिश इंगल्फिंग कैंडल. जैसे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना, उस एरिया पे मैंने बाय किया. सिंपल है, जिस एरिया पे आपको बाय करना है वहाँ पर आपको कुछ कैंडल्स दिखना चाहिए बुलिशनेस टाइप. अगर आप बाय कर रहे हो तो सब टेक एन एग्जांपल, यहाँ बुलिश इंगल्फिंग दिखा. अगर यहाँ पर मेरे को एक हैमर दिख जाता, टेक एन एग्जांपल, जैसे सपोज मेरे को बाय करना है, यहाँ पर हैमर दिखता तो मैं बाय ही करता. मेरे को बाय करना है क्यों, क्योंकि हैमर इज अ पॉजिटिव साइन और मेरा स्टॉप लॉस पिछला हायर लो, डेट इज़ अवर की लेवल, वो मैं रखता और ट्रेड ले लेता. बहुत ही सिंपल है. अब चलते हैं निफ्टी 50 व्यूज़ पे. निफ्टी 50 का व्यूज़ क्या हो सकता है? सो एज यू कैन सी दैट निफ्टी 50 इज़ गेटिंग हायर एंड हायर. ठीक है, तो लास्ट लोअर हाई हम लोग का क्या था, लास्ट लोअर हाई इज दिस वन. सो जब तक लास्ट लोअर हाई ब्रीच आउट नहीं होगा, जब तक लास्ट लोअर हाई टेकन आउट नहीं होगा, तब तक हमें पॉजिटिव नहीं बनना है. हमें बस इतना सोचना है कि अभी मार्केट कुछ कर नहीं रहा है, अभी मार्केट बस लोअर है. जो डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर, रेंज वाला डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर है, वो रेंज वाला डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर फॉलो करेगा जब तक लोअर हाई टेकन आउट नहीं होता है. ठीक है, दूसरा चीज़ है, अगर इस एरिया पर एक्यूमुलेशन होने लग गया, इस एरिया पर साइडवेज आ गया, देन मोस्ट प्रोबेबली वी आर हेडिंग फॉर अ अपर साइड, दैट इज अपट्रेंड स्ट्रक्चर. सो ये सब चीज़ें था जो आप फॉलो कर सकते हैं और ट्रेड ले सकते हैं. क्लियर करो मेंटालिटी, आपको क्या करना है. अगर बिगर टाइम फ्रेम को बाय बोल रहा है तो आपको बाय करना है. छोटा टाइम फ्रेम में जाओ, 15 मिनट से मैं लेता हूँ, आप लोग 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से जाओ. जैसे लोअर हाई ब्रीच आउट हो, डिमांड जोन वापस सेफ रहे, वो लोअर हाई टाइम फ्रेम का बुलिश इंगल्फिंग बने, हैमर बने, कुछ भी बुलिशनेस दिखे साइन कैंडल्स का, देन गो फॉर इट, टेक द ट्रेड. स्टॉप लॉस मतलब की लेवल के नीचे,
जो की लेवल का पता नहीं है तो वहाँ से आप देख सकते हो, एक वीडियो बारे में बात किया गया, वहाँ से देखो की लेवल जज करने के बाद वहाँ से स्टॉप लॉस लगाओ और गो फॉर द ट्रेड। थैंक यू गाइस।